Actually, Kangana Ranaut, jinhone ye kabool kiya hai ki she has a secret crush on Jesse and she wants him to seduce her like he did Eva Longoria in Desperate Housewives. But did Jesse really bother to look at her? What do you think? Anyways, khabar hai ki Varanasi mein jab Big B ki family and Ash rituals ke liye gaye the, to Rani bhi wahan maujood thi. But how come the media did not cover her? Kyunki wo Bachchan khandan ke saath nahi balki apni film ki shooting ke liye gayi thi. लेकिन मिस्टर बच्चन अपनी फेवरेट रानी को फोन करना नहीं भूले। उनके फोन करने के बाद रानी उनसे मिलने भी गई। लेकिन उनको देखकर उनकी वुड बी डॉटर इन लॉ काफी खुश नहीं हुई। अब वो खुश हो या ना हो, लेकिन आजकल आदित्य चोपड़ा बहुत खुश है। क्योंकि क्योंकि उन्होंने रानी मुखर्जी को साइन किया है धूम 3 के लिए और वो खुद धूम 3 डायरेक्ट करने भी वाले हैं। Well, I wonder how Rani's Chopra uncle Yash Raj reacted. उन्हें तो पता होगा ना कि उनके बेटे के ब्रेकअप का रीजन क्या है। Well, ignorance is bliss, as they say. लेकिन इससे बड़ी खबर है कि Ash और शाहरुख इस फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। Not possible. अगर Ash को बच्चन खानदान की बहू बनना है तो मुझे पता है कि वो ये फिल्म करने में थोड़ी हेजिटेंट जरूर होंगी। Well, उस खानदान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गौरी भी SRK और Ash के साथ काम करने की बात से कभी खुश नहीं है। That's news. क्योंकि हमें तो लगता था कि सिर्फ यही एक स्टार वाइफ है जो इनसिक्योर नहीं फील करती। लेकिन स्टार वाइफ के इनसिक्योर होने की वजह क्या है? एक एक्टर जब सक्सेसफुल होता है तो उसके नीड्स काफी अलग हो जाते हैं। उनको शायद सेल्फ वर्थ का भी रियलाइजेशन होता है काफी हद तक। तो एक बीवी के लिए उस चीज से कीप अप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो सक्सेस है, जिस तरह सक्सेस मिलते जाता है उस तरह आप की डेफिनेशन जो आप जीवन साथी से चाहते हैं वो अलग होती जाती है।